ये शर्लिन यहाँ क्या कर रही है? शर्लिन, तुम यहाँ क्या कर रही हो? कुछ नहीं। एक मिनट, मेरी बात खत्म नहीं हुई अभी। ये अलमारी तुमने खोली? वो मुझे कुछ कपड़े रखने थे। कपड़े रखने थे? तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो? वो एक्सक्यूज मी करण भाई, आपको कुछ अजीब नहीं लगा? अजीब क्या? तू उसे छोड़, बात हो गई। किससे भाई? सृष्टि से। नहीं नहीं भाई, मैंने सृष्टि से कोई बात नहीं करी। इनफैक्ट दोनों बहनों से मेरी बात नहीं होती क्योंकि आपको पसंद नहीं। ओह, मैंने तुझे कब कहा कि अगर तू सृष्टि से बात करेगा तो मैं तुझे डांटूंगा? ऐसा मैंने कुछ कहा? बेवकूफ मत बना, मुझे पता तू सृष्टि से बात कर रहा। नहीं मैं बेवकूफ नहीं हो रहा, मैंने नहीं बात कर रहा था यार। अरे फोन दिखाना। अरे भाई फोन दिखाना। नहीं नहीं भाई दिखाना मेरा फोन। बैड मैनर्स, दूसरे का फोन। अरे फोन दिखा मुझे। ओके, मैं बात कर रहा था उससे। क्या बात कर रहा था? वो लगता है करण भाई को प्रीता के बारे में पता करना है। पर करण भाई, मैं आपको कुछ नहीं बताऊं। पूछ रहा हूँ भाई। कुछ नहीं, ऐसी ऐसी बातें कर रहे थे। इनफैक्ट वो सृष्टि पूछ रही थी, वो एड एजेंसी का एड्रेस पूछ रही थी। एड एजेंसी? हाँ, वो उसको मॉडलिंग का शौक है ना, थोड़ी बहुत मॉडलिंग करती है, तो बस उसी का एड्रेस पूछ रही थी। ओके। बस इतना ही बताऊंगा, जब तक आप प्रीता के बारे में नहीं पूछोगे ना, तब तक आपको कुछ नहीं बताऊंगा। क्या करण भाई को मायरा के रिश्ते वाली बात पता है? करीना बुआ भाई के साथ मायरा की शादी प्लान कर रही थी। इनडायरेक्टली पता करता हूँ। वैसे करण भाई, मैं क्या सोच रहा था कि मायरा की किस टाइप के लड़के से शादी होनी चाहिए? I mean, कोई साइंटिस्ट या फिर एक्टर या फिर बिजनेसमैन, क्या कहते हो? किसी भी टाइप के लड़के से हो जाए, हमें क्या फर्क पड़ता है? ये बात भी। करण भाई को कुछ नहीं पता। I'm sure जब उन्हें पता चलेगा ना, तो रिश्ते के लिए मना कर देंगे। पर मना करने से बात नहीं बनेगी। बात बनाने के लिए भाई को प्रीता और पिता के साथ अपनी शादी को एक्सेप्ट करना पड़ेगा। तू कुछ छुपा रहा मुझसे? भाई मैं वही छुपा रहा हूँ जो आप जानना चाहते हो। और मैं क्या जानना चाहता हूँ? प्रीता गलत सोच रहा है तू। नहीं करण भाई, मैं एकदम सही सोच रहा हूँ। मैं आपको अच्छे से जानता हूँ। आप सिर्फ और सिर्फ पिता के बारे में सोचते हो, उसी के बारे में जानना चाहते हो। आई नो दैट। क्या हुआ पृथ्वी जी, कुछ चाहिए आपको? प्रीता जी, मैं जा ही रहा था पर जा नहीं पाया। सुनो प्रीता जी, उस दिन सबको विश्वास हो गया था। आप जिसकी कहो उसकी कसम खा के बोल दूं मैं, उस दिन मंडप में जब करण ने ऐलान कर दिया था कि वो आपसे बहुत प्यार करता है, वहां मौजूद हर मेहमान को, हर इंसान को उसकी बातों पर विश्वास हो गया था। पृथ्वी जी, मैं इस बारे में कोई बात नहीं करना चाहती। प्रीता जी, पर भूलने वाली बात ही नहीं है। बात ही कुछ ऐसी थी कि आपको पता है प्रीता जी, मैं जेन्युइनली आपसे शादी करना चाहता था। मैं चाहता था कि आप मेरी और मैं आपका हो जाऊं हमेशा हमेशा के लिए। पर जब ऐसा नहीं हुआ, मैं पूरी तरह से पागल हो गया। आपके घर आया, बदतमीजी की, लड़ाई झगड़ा किया, उसके लिए आई एम रियली सॉरी। मैं नशे में था, मुझे समझ में ही नहीं आ रहा था, पता ही नहीं चल रहा था कि मैं कर क्या रहा हूं। पर करण ने जब मंडप में आपसे ये कहा था कि वो आपसे बहुत प्यार करता है, अगले दिन जब मैं उठा तो मुझे रियलाइज हुआ कि वो सच बोल रहा है। उसके हर अल्फाज, हर लफ्ज, खास करके वो जब उसने आपसे ये कहा कि प्रीता, अपना हाथ अगर तुम मेरे हाथ में दे दोगे तो मैं दुनिया से लड़ जाऊंगा, तुम्हारा साथ कभी नहीं छोड़ूंगा। और फिर अगले दिन मुझे पता चला कि उसने आपको। पृथ्वी जी प्लीज, एक बारी में आपको समझ में नहीं आता है,
मैंने कहा ना, मुझे इस बारे में कोई बात नहीं करनी है। कैसे बात ना करूं प्रीता जी? करण की वजह से आप मेरी नहीं हो पाई, हमारी शादी नहीं हो पाई, उसकी वजह से, करण की वजह से। उसने आपको जो भी वादे किए थे वो सारे वादे उसने तोड़ दिए, आपको बीच रास्ते पर छोड़ दिया उसने। प्लीज पृथ्वी जी, करण और मेरे बीच में क्या हुआ क्या नहीं, वो करण और मेरे बीच की बात है। आई होप आप समझ रहे होंगे कि मैं क्या कहने की कोशिश कर रही हूं। मुझे भी माँ को दवाई देनी है। कहीं नहीं जाऊंगा मैं, यहां प्रीता जी के घर के बाहर ही रहूंगा, क्योंकि अगर उस गिल्ली डंडा प्लेयर को पता चल गया ना कि सरलांटी की तबीयत ठीक नहीं है, तो वो जरूर उनसे मिलने के लिए यहां आएगा। अगर वो यहां पर आया और उसने मुझे देख लिया तो उसे पता चल जाएगा कि मैं अब भी यहां आता जाता हूं, और अब भी प्रीता जी को हासिल करने के चांसेस बचे हुए हैं। और एक फायदा है, अगर मैं यहां पर रहा ना तो मुझे पता चल जाएगा कि कौन आ रहा है कौन जा रहा है, तो मैं कहीं नहीं जाने वाला, यहां प्रीता जी के घर के बाहर ही रहूंगा। ओ गॉड, प्रीता जी! पृथ्वी जी, प्रीता जी, क्या हुआ आपकी गाड़ी को? गाड़ी खराब हो गई थी प्रीता जी। ओहो, पर अब कोई टेंशन नहीं है, ठीक हो गई। ओके। प्रीता जी, क्या मैं आपसे पूछ सकता हूँ कि आप कहाँ जा रही हैं? मैं बांद्रा ईस्ट जा रही हूँ, देर हो रही है। बांद्रा ईस्ट? मैं भी वहीं जा रहा हूँ, आइए मैं आपको ड्रॉप कर देता हूँ प्रीता जी। नहीं नहीं, अब ऑटो ले लूंगी मैं, यहाँ बहुत ऑटो घूमते रहते हैं। प्रीता जी, जब गाड़ी है तो ऑटो से जाने की क्या जरूरत है? आइए ना, मैं आपको ड्रॉप कर देता हूँ, आई इंसिस्ट। नहीं पृथ्वी जी, मैं चली जाऊँ। प्रीता जी, कैसी बातें कर रही हैं आप? मैं कोई स्ट्रेंजर हूँ क्या? आप मुझे जानती हैं? और एक बात, मैं आपको बीच सड़क कभी नहीं छोड़ूंगा प्रीता जी, आपको आपकी मंजिल तक ले जाऊंगा, ये मेरा वादा है आपसे। प्लीज आइए, आपको ड्रॉप करके मुझे खुशी होगी, बिल्कुल स्ट्रेस वाली बात ही नहीं है इसमें, प्लीज आइए ना। एक मिनट, आप बांद्रा ईस्ट जा रहे हैं? लेकिन आपने तो कहा था कि आप अपने ऑफिस जा रहे हैं, क्योंकि आपका आपकी मॉम के साथ लंच है। पोस्टपोन हो गई, मॉम का अभी अभी कॉल आया था कि अब वो बिजी हो गई है, अब वो डायरेक्टली मुझे शाम को घर पे मिलेंगी, मैं उनके साथ डिनर कर लूंगा ना, कोई टेंशन वाली बात ही नहीं है। आप आइए ना प्लीज, आप आइए, प्लीज आइए। प्लीज प्रीता जी, आपको ऐसे ही ड्रॉप कर करके उस गिल्ली डंडा प्लेयर ने मुझे रास्ते से साफ किया था, अब मैं भी वही करूंगा, उस गिल्ली डंडा प्लेयर को अपने रास्ते से साफ कर दूंगा। इस घर की चौकीदारी कर करके कुछ तो मिला, मेरी प्रीता जी मिल गई, इन्हीं के लिए तो इनकी गली में आता हूं मैं। Hey Ron, what's up? How's the day, man? Fine, fine यार। घर में तो बहुत बुरा था यार। कोई नहीं यार, अच्छा हो जाएगा यार। तुझे पता है जॉब पे सब लोग काम करते हैं, and we play. You're lucky one. अच्छा हो जाएगा। So how was the match yesterday? Oh, fine, good. Hey captain, what's up? What's up guys? क्या बात है? कुछ हुआ क्या? नहीं कुछ नहीं। क्यों? Yeah? चल ग्राउंड में चलते हैं। तुम लोग चलो, मैं आता हूँ बस। I'll finish my shake, हाँ? चल। चलो यार। Yeah. See you on the ground. शिफ्ट कुछ तो हुआ है ना? बता नहीं रहा। देख बताऊँगा तो मजाक मत उड़ाना मेरा। नहीं उड़ाऊँगा। और ये भी मत बोलना कि बच्चों जैसे बिहेव कर रहा। तो बच्चों जैसे बिहेव तो नहीं करता, पर आज यार बाकी दिनों से काफी अलग फील हो रहा है। मैंने अभी अभी एक लड़की को देखा, सो प्रिटी, सो नाइस। या
वेरी गुड यार। वैसे तू बच्चों वाली बातें कर रहा है। जब तू देखेगा ना तो तू भी यही बोलेगा, तूने आज तक इतनी प्रिटी और इतनी सिंपल लड़की नहीं देखी होगी, और उसकी सादगी देखेगा ना तो देखता ही रहे। आई एम दी करण लूथरा, मैंने बहुत प्रिटी लड़कियां बहुत सिंपल लड़कियां देखी, ओके? ओह गॉड, वो आ गई। मैं इतना तो समझ ही गया था कि वो हमारे ही क्लब में आएगी। करण, कम कम। आई एम नॉट इंटरेस्टेड। देख ना, तू भी देख ही ले एक बार। ओके। That yellow one? Yep. Cricket ground. मैंने प्रीता जी को क्रिकेट ग्राउंड के बाहर छोड़ा, पर प्रीता जी क्रिकेट ग्राउंड की तरफ क्यों गई? वहां पे ना तो उनकी ऑफिस है और ना ही वो क्रिकेट खेलती है। ओ, अब समझ में आया। प्रीता जी वहां उस गिल्ली डंडा प्लेयर से मिलने गई होंगी। पर क्यों? क्यों प्रीता जी आप उस गिल्ली डंडा प्लेयर से क्यों मिलना चाहती हो? इतना सब होने के बावजूद आप उस गिल्ली डंडा प्लेयर से मिलने गए? उसने आपकी जिंदगी बर्बाद कर दी, आप समझती क्यों नहीं है प्रीता जी? हाँ बोलो बेबी। तुम्हें पता है जिस ऋषभ ने मुझसे किस तरीके से बात की, मेरी इंसल्ट की, मुझे कितना कुछ सुनाया उसने। मैं किसी की नहीं सुनती, लेकिन उस ऋषभ की बातें मैं सुनती गई क्योंकि मैं चाहती हूँ कि हमारा प्लान सक्सेसफुल हो। जिस तरीके से मुझसे बात कर रहा था ना, I felt so insulted. मैं सिर्फ तुम्हारी डांट सुनती हूँ। अरे मैं तो अपनी मॉम की भी डांट नहीं सुनती, लेकिन इस वक्त मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है। मुझे भी बहुत गुस्सा आ रहा है। उस पंचायती बिजनेसमैन की हिम्मत कैसे हुई तुम्हारी इंसल्ट करने की, तुम्हें डांटने की? बेबी, और तुम फिकर मत करो, डोंट गिव वरी, ओके? वो पंचायती बिजनेसमैन नाक रगड़ के तुमसे माफी मांगेगा, ये मेरा वादा है। पृथ्वी मल्होत्रा का वादा है ये, ओके? बेबी, बेबी ऐसे रोते नहीं है। कौन हो तुम? शेरनी। मेरी बेबी शेरनी है, शेरनी। और शेरनी ऐसे रोती है? हाँ। देखो मैं तुमसे क्यों प्यार करता हूँ, क्योंकि तुम शेरनी हो, है ना? कम ऑन, कम ऑन नाउ, स्टॉप क्राइंग नाउ। आई लव यू बेबी। बेटा चलो मैं फोन रखता हूँ, ओके? बाय बाय। यू पंचायती बिजनेसमैन, तूने मेरी बेबी की इंसल्ट की, उसे डांटा, तेरी हिम्मत कैसे हुई? नाउ यू वेट एंड वॉच कि मैं तेरे साथ क्या करूंगा। तुम दोनों भाइयों ने मेरी शर्लिन बेबी और प्रीता जी की जिंदगी बर्बाद कर रखी है। यस, कम इन प्लीज। हाय। हाय। हम अभी मिले थे। जी जी। मिस्टर खन्ना के कैबिन में। या। तुमसे पहले यहाँ पे हमारा दूसरा फिजियोथेरेपिस्ट था, मेरा फ्रेंड ही था ओम। वो अपने होम टाउन शिफ्ट हो गया है, तो अब तो वो आएगा नहीं। पर मैं उससे अक्सर मिलने यहाँ पे आता था। अब मुझे लगता है कि मुझे अपनी आदत छोड़नी पड़ेगी, बिकॉज इट इज योर केबिन नाउ। बाय द वे, आई एम द कैप्टन शिव। ऑफ कोर्स आई नो, हमारा इंट्रोडक्शन हो चुका है। या, राइट। सो आई गो नाउ। आज यहाँ इस कैबिन से मेरी एक नई जिंदगी की शुरुआत होती है। अगर मैं करण से ना मिली होती तो जो हुआ वो ना हुआ होता, दादी के लिए लूथरा हाउस जॉब ना की होती, तो शायद मेरी जिंदगी का रुख कुछ और ही होता, और शायद बहुत पहले ही ये शुरुआत हो जाती। कहाँ था तू? ग्राउंड पे नहीं था? अरे यार, वो लड़की है ना जिसके बारे में मैं बात कर रहा था, she's going to work here only. दीवाना हो गया, बावला हो गया तो और कुछ नहीं है। लेकिन एक प्रॉब्लम है यार। हाँ। She's married. मैं वेट कर सकता हूँ, ऐसी बात नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। कि वेट करते करते मैं कुंवारा ही ना मर जा। ऐसा कुछ नहीं होगा। तुझे एक बात बताऊँ, तू शिव है, ओके? BCL टीम का कैप्टन, गुड लुकिंग है यार। I mean, तेरे से तो कोई भी लड़की पड़ जाएगी।
तुझे एक सीक्रेट बताता हूँ। हर शादी में ना एक इशू होता है जो कभी सॉल्व नहीं होता। क्या पता उसकी शादी में भी कोई इशू जो कभी सॉल्व ना हो। तो तू एक काम करना, बाद में उससे बात कर लेना, क्या पता बात बन जाए। तू मुझे ताना मार रहा है? ऑफ कोर्स नॉट यार, ऐसे मिलना है मुझे उस लड़की से जिसे देखते तुझे उससे प्यार हो गया। चला जा, मिलते हैं। नहीं यार, तू उससे मत मिल। क्यों? कहीं ऐसा ना हो कि उसका दिल मुझसे पहले तुझ पे आ जाए। मैं तो कहने के लिए कैप्टन हूँ ना, लड़कियों के मामले में तो असली कैप्टन तू है। डूड डूड जैसा दिखता वैसा होता नहीं है। चल मुझे मिलना उस लड़की से। कम ये तो फिजियोथेरेपिस्ट का कैबिन है। या श्री रानी फिजियोथेरेपिस्ट। यस कम इन। और तारे कैसे तूने बचपना ये कर दिया है। बेटा शर्लिन इस घर की बहू है, अगर वो करण के बारे में भला सोच रही तो इसमें बुरा क्या है? वो चाहती है अगर करण किसी से शादी करे, अपनी लाइफ में मूव ऑन करे, तो इसमें बुरा क्या है? करीना, वो जिसको मूव ऑन करना है लाइफ में, कम से कम उसको तो एक बार पूछ लो कि तुझे मूव ऑन करना है या नहीं करना है। बेटा हम उससे पूछ लेंगे, पर शर्लिन के साथ इस तरह से बात नहीं करनी चाहिए थी तुम्हें। शर्लिन अगर चाहती है इस घर की खुशियां वापस आ जाए तो इसमें बुरा क्या है? शर्लिन, करीना वो, शर्लिन प्लीज स्टडी रूम में आ जाओ। ऋषभ, अगर तुम मेरी जरा सी भी रिस्पेक्ट करते हो, अगर अपनी गलती का जरा सा भी एहसास है तुम्हें, तो तुम टर्लिन से सॉरी कहो। करीना बुआ, मैं आपकी बहुत इज्जत करता हूँ और आप जानते हैं मैं पूरे दिल से आपकी रिस्पेक्ट करता हूँ, पर मुझे नहीं लगता कि मैंने कोई भी गलती की है। तुम्हें नहीं लगता तुमने कोई गलती की? नहीं। ठीक है, मेरी इज्जत तो करते हो ना, मेरे कहने पे टर्लिन से सॉरी कहो। क्यों जिद कर रही हूँ? बेटा मैं जिद नहीं कर रही हूँ, अगर तुम्हें ऐसा लगता है कि मैं जिद कर रही हूँ तो ठीक है। जैसे मुझे लगता है तुमने गलती की, पर तुम्हें नहीं लगता तुमने गलती की, उसी तरह से। जी करीना बुआ, आपने बुलाया? हाँ बेटा, ऋषभ तुमसे कुछ कहना चाहता है। ऋषभ, सॉरी। वो ऋषभ ने तुमसे रूडली बात की ना, उस वजह से वो तुमसे सॉरी कह रहा। ऋषभ जी, आपको सॉरी बोलने की जरूरत नहीं है। मैं जानती हूँ कि आप प्रेशर में होंगे और इसलिए। मैं किसी प्रेशर में नहीं था। तुमने सॉरी कह दिया, थैंक यू। मैंने सॉरी सिर्फ आपके लिए कहा, सिर्फ आपके लिए। चलिए बेटा। सब करण की शादी करवाने के पीछे पड़े हो, पर मैं करण की किसी और से शादी नहीं होने दूंगा। उसकी शादी हो चुकी है और सही लड़की से हुई है। मैं किसी को भी करण की जिंदगी बर्बाद नहीं करने दूंगा, खुद करण को भी नहीं। कहीं उस पंचायती बिजनेसमैन ने फिर से तुम्हारी इंसल्ट तो नहीं कर दी? नहीं बेबी, किसी ने कुछ भी नहीं कहा, लेकिन तुम्हारा इतना कंसर्न और इतना प्यार देख के आज मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। बेबी एक बात बोलूं, जैसे तुमने मुझे बताया ना कि उस पंचायती बिजनेसमैन ने तुम्हें डांटा, मुझे इतना गुस्सा आया कि मैं तुम्हें क्या बताऊं। ट्रस्ट मी बेबी, अगर मैं वहां आ सकता ना तो वहां पर आके उस पंचायती बिजनेसमैन की सारी पंचायत वंस एंड फॉर ऑल खत्म कर देता। उसकी हिम्मत कैसे हुई तुम्हें डांटने की, तुम्हारी इंसल्ट करने की? बीबी काम डाउन। और तुम्हें पता है तुम्हारी बात सबसे ज्यादा प्यार मुझे कौन करता है? करीना बुआ। करीना लूथरा? हाँ। वो कैसे बीबी? बीबी वो सब छोड़ो, लिसन आई एम रियली सॉरी कि मैं तुमसे आज मिलने नहीं आ पाई। वो क्या ना, मेरी सासू माँ अचानक से घर पर आ गई यार और बताया भी नहीं। और तुम्हें पता है क्या, उससे भी इम्पोर्टेंट बात, आज मेरी मॉम आए थे मुझसे मिलने और मैंने बता रही थी कि ऋषभ ने मेरे साथ क्या किया, मुझे कितना डांटा, कितना सुनाया, और मैं तो सिर्फ एक अच्छी बहू की ड्यूटी निभा रही थी।
मैं सिर्फ ऋषभ को ये कह रही थी कि करण की हमें दूसरी शादी करवा देनी चाहिए। ऋषभ मुझ पर गुस्सा हो गया, उसने मुझे डांट दिया और ये सारी बातें करीना बुआ ने सुन ली। उसके बाद क्या? करीना बुआ सीधे ऋषभ के पास गई और उसकी क्लास ले ली और फिर उन्होंने मुझे वहां पर बुलाया। बेबी मैं तुम्हें बता नहीं सकती, ऋषभ ने मुझे सॉरी बोला, मुझे इतना अच्छा फील हुआ। आई जस्ट लव्ड इट। चलो सुन के अच्छा लगा कि किसी ने तो क्लास ले ली उस पंचायती बिजनेसमैन की। अब तुम मुझे ये बताओ कि तुम मुझे कब और कहां मिल सकती हो। आई वॉन्ट टू मीट यू बेबी। बताओ कहां मिले और कितने बजे। बेबी आई डोंट थिंक हम आज मिल पाएंगे, लेकिन हम जल्द मिलेंगे। एंड यू नो व्हाट, तुम्हारा ये कंसर्न देख के, तुम्हारा प्यार देख के मुझे आज बहुत अच्छा लग रहा है। मुझे तो बीच में फील होने लग गया था कि तुम्हें सिर्फ प्रीता की पड़ी है, मेरे बारे में तुम सोचते ही नहीं हो, लेकिन आज मुझे फील हो रहा है कि यू रियली केयर फॉर मी। यू नो व्हाट, आई लव यू। आई लव यू टू बेबी। बेबी बेबी हेलो, फोन काट दिया। बेबी ने फोन क्यों काट दिया? ओ आई एम डैम श्योर एज यूजुअल कोई ना कोई वहां आ गया होगा, बट आई होप किसी ने बेबी की बात ना सुन ली हो। करण मुझे तुझसे कुछ जरूरी बात करनी थी। तो कीजिए ना, बोलिए। शायद यही सही समय है बात करने का। उत्तर मुझे लगता है तुझे एक अच्छी लड़की के साथ शादी करके जिंदगी में आगे बढ़ जाना चाहिए। मेरी शादी हो चुकी है। क्यों ऐसे क्यों देख रहे मुझे? मेरी शादी हो चुकी है। वो अलग बात है कि आप लोग मेरी शादी में आ नहीं सके, लेकिन शादी तो मेरी हो चुकी है, राइट? किसने देखा तुम्हारी शादी को? प्रीता की फैमिली ने, उसके रिलेटिव्स ने? हमने तो नहीं देखा, ना तुम्हारी फैमिली ने देखा, ना हमारे रिलेटिव्स ने देखा, ना सोसाइटी। यही तो मैं चाहता हूँ बुआ, उसकी सोसाइटी देखे, उसके मायके वाले देखे कि प्रीता की शादी हो चुकी है मेरे साथ। That's what I want. तू क्या कर रहा है पुत्र? तू प्रीता को नहीं, अपने परिवार को तकलीफ दे रहा है। पुत्र मैं तेरी दादी हूँ, मेरा भी अरमान है कि मैं तेरी शादी देखूं। हमने वो शादी नहीं देखी, किसी ने वो शादी नहीं देखी। दादी प्लीज यार, आप लोगों के लिए शादी के मायने अलग है। आप लोगों के लिए शादी ये खुशी, ये रिलेशन, लेकिन मेरे लिए ये शादी सिर्फ बदला है जो मैंने प्रीता से ले लिया। मुझे प्रीता से बदला लेना था, इसलिए मैंने उससे शादी की। That's it. बस करण, बहुत हो चुका। जो तुम करना चाहते थे तुमने कर लिया, अब तुम हमारी बात सुनो। प्रीता को डिवोर्स दो और अपनी लाइफ में मूव ऑन करो। देखो बदला लेना चाहते थे ना प्रीता से, ले लिया तुमने बदला। लेकिन मेरा बदला पूरा नहीं हुआ बुआ। मेरा बदला कहाँ पूरा हुआ आप बताइए? प्रीता से शादी हो गई मेरी, लेकिन इस शादी में अभी बहुत कुछ होना बाकी है। रही डिवोर्स की बात, मैं प्रीता को डिवोर्स नहीं दूंगा। इतनी आसानी से मैं उसे छोड़ूंगा नहीं, ना मैं मूव ऑन करूंगा ना उसे करने दूंगा। कारण प्लीज, अगर आप लोगों को शादी की बात करनी है तो मैं किसी होटल में शिफ्ट हो जाता हूं। वहां पीसफुली रहूंगा, कम से कम वहां मुझे कोई फोर्स तो नहीं करेगा शादी के लिए। ये क्या कह रहा है तू, पागल हो गया? अगर आप लोगों को ये बात करनी है तो आई वोंट लाइक इट, मैं चला जाता हूँ। कोई नहीं करेगा करण। खाना तो खा ले पुत्र। सब्जी का बोले बोले, अरे संभाल के गरम है ये। अरे खाना लग गया। अरे मम्मा आप यहाँ पर क्यों आ गए?
हम खाना ले आते ना अंदर। अच्छा बैठ जाओ, जाओ। अरे तुम दोनों ना, मैं कोई बच्ची, मेरी तबीयत ठीक है बेटा, ऐसे क्यों परेशान हो रहे हो? पता है बहुत तबीयत ठीक है आपकी, बस आपका जो बॉडी टेम्परेचर है ना उससे थोड़ी सी बगावत छेड़ दी, इसलिए देखो आग की तरह जल रही है जानकी आंटी। मेरा हाथ इतना गर्म हो चुका है ना अभी कि आप इसके ऊपर 2-3 रोटियां सेक सकते हो, इतना कमाल करती है ये लड़की। बिना सीरियस बात में भी मजाक करती है। हाँ मजाक बहुत हो गया, अब गरम गरम खाना खाओ। प्रीता सृष्टि को छोड़ और अपनी माँ को डांट, ये तुम दोनों की माँ है, मेरी तो क्या बीजी की भी नहीं सुनती ये। ऐसी बात नहीं है जानकी आंटी, सुनेंगी, हमारी भी सुनेंगी और आपकी भी सुनेंगी। अच्छा सुनो, अभी मेरे बारे में बात करना बंद करो, पहले प्रीता से पूछो। आज उसकी नौकरी का पहला दिन था, कैसा रहा दिन, सब लोग वहाँ कैसे थे, काम उसे पसंद आया कि नहीं, बता बेटा। बहुत अच्छा था माँ, बहुत कंफर्टेबल। नए लोग, नई जगह, नए चेहरे, थोड़ा तो अजीब लगता है, पर ना मैनू पता है साड़ी प्रीता इतनी चंगी है, इतनी प्यारी है कि वहाँ पे ना अनजान लोगों को भी ना अपना बना लेगी, जल्दी कुल मिल जाएगी। शुरू शुरू में नई नई नौकरी में ना थोड़ी दिक्कतें आती हैं, पर धीरे धीरे सब चंगा हो जाता है, आपस में समझने लगते हैं, यार दोस्त बन जाते हैं, तो ना काम और आसान हो जाता है। प्रीता मिला कोई पहचान का? ये करण लूथरा, इसे कौन नहीं जानता, तुम भी जानती होगी। इतनी टेंस्ड क्यों लग रही हैं? आई होप इनकी जॉब का पहला दिन अच्छा गया हो।